देखिए हिलिएगा मत। ऐसे बैठे बैठे थक गई हूं। फिर आपकी तस्वीर आपकी तरह खूबसूरत नहीं बनेगी। मेरी मलिका आपको एक बात बतानी है। एक चलता फिरता सर्कस आया है, एक असली सर्कस। आग खाने वाला, चाकू खाने वाला और एक गायब कर देने वाला। मैं जरा देख कर आती हूँ, ठीक है? क्या तुमने सुना? सर्कस। जाओ जाकर देख कर आओ। मुझे लगता है ये सभ्य इंसान मुझे खाएगा नहीं। ये लगभग तैयार ही है। आज तुम थोड़े उदास लग रहे हो। मेरी चित्रकारी जैसे ही खत्म होगी मुझे आपके दरबार में नहीं आने दिया जाएगा। कैसा रहेगा अगर मैं खान से कहूं कि वो तुम्हें दरबारी कलाकार बना दे? तो तुम उनकी तस्वीर बना सकते हो ना? मुझे मत देखो, तुम नहीं देख सकते। अगर आप मुझे थोड़ा भी पसंद करती हैं तो आज रात दूर के बाजार में आ जाइएगा। ये बिल्कुल सच है कि तुम रूसी पागल होते हो। ऐसे कैसे खान की बेगम किसी और के बारे में सोच सकती है? चले जाओ, नहीं तो मैं दरबान को बुलाऊंगी। फिर आप मेरी तरफ देख के मुस्कुराएं क्यों? मैं सिर्फ एक रहम दिल इंसान हूं। मौलाना गिरगोरी सही थे, तुम बाकी मोहतरमाओं की तरह ही हो। बाकी मोहतरमाओं की तरह? मतलबी और धोखेबाज। देवियों और सज्जनों, मुझे अपना परिचय देने दीजिए महान जादूगर से, जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हैं बलबन पाशा। मैं इस बदनसीब आदमी से रास्ते में मिला था। ये पैदाइशी अंधा है, लेकिन उसने हम लोगों से वादा किया कि अगर हम उसके आंखों की रोशनी वापस ला दें
तो वो मरते वक्त तक मेरी खिदमत करेगा। पेश करो। पियो। मैं देख सकता हूँ। अरे वाह वाह, अरे ये तो कमाल हो गया। बहुत अच्छा, बेहतरीन। ये चलता फिरता सर्कस कितना शानदार है ना। काश खान ने उन्हें खेल दिखाने की अनुमति दी होती। आप रो रही हैं? किसी ने आपको दुखी किया? नहीं, मैं सिर्फ उदास हूं। क्या उस रशियन ने आपसे दुर्व्यवहार किया? तुम उसे इतना पसंद क्यों करती हो? वो असभ्य और अश्लील है। अश्लील? क्या उसने आपको छूने की हिम्मत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मुझसे सिर्फ अकेले में मिलने के लिए कहा, और जब मैंने मना कर दिया उसने मुझे मतलब ही कहा। मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें तकलीफ दूंगी। वो आपकी गलती नहीं है, उसकी है। उसने भोला भाला दिखने वाला नाटक किया, लेकिन वो तो भेड़िया निकला। उसे भेड़ खाने में जाने दीजिए। ऐजान खातून ने कहा है कि तुम उनके दरबार में नहीं जा सकते हो। अगर तुमने उनसे अकेले में मिलकर बात करने का एक और प्रयास किया तो वो अपने शौहर से बोल देंगी और वो तुम्हें मारने का हुक्म दे देंगे, आवारा कुत्तों की तरह। इसलिए उनसे दूर रहो। जनाब मैंगो खान, क्या आपने फैसला किया कि आपके सेना का नेतृत्व कौन करेगा? हाँ, जल्द हो जाएगा। अगर बर खान यह फैसला करते हैं कि नेतृत्व नोगाई करेगा तो फिर वो मुझे यहीं रहने का आदेश देंगे और फिर मुझे किसी सेनापति की जरूरत नहीं होगी। तुम दल में कैसे शामिल हुए? रूसी, तुम्हें हो क्या गया है? मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। अपनी मेहनत में इजाफा करो, नहीं तो तुम्हारे साथ खड़ा होना और तुम्हें जंग पे ले जाने में मुझे अफसोस होगा।
हमें इसे यहाँ से हटा देना होगा। वो आया था क्या? आपको इतनी फिक्र क्यों है? वो ऐसे भी आपको परेशान नहीं करेगा, यही जरूरी है ना? चल जल्दी। उसे जानते हो क्या? शायद जानता हूं। व्लादिमीर में एक बार मैंने इसकी मदद की थी। एजान खातून आ रही हैं, सब लोग किनारे हो जाइए, दूर हटिए। तोक्तागाई खातून, इजान खातून को लेकर आया हूं। महान आत्मा मुझसे मिलना चाहती थी। मेरे करीब आओ। अपना हाथ दो मुझे। कितनी मुलायम खाल है तुम्हारी, बिल्कुल रेशम की तरह। इसे रुमाल में बांध देना और रख लो अपने पास। ये क्या है? ये राख केखर खातून की है, और ये राख तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि एक बेगम का क्या होता है जब वो अपने शौहर के खिलाफ हो जाती है। तोक्तागाई खातून से आपकी क्या बात हुई? कोई मदद करो, एजान खातून खतरे में है, कोई मदद करो। मैं अचानक से वहां आ गया। मैं हौर्दे की एक मोहतरमा से मिलना चाहता था। क्या तुम यहां किसी काम करने वाली खाबिंद को पसंद करते हो? महान खान,
इस चित्रकार ने कुछ नहीं किया है, इसने मुझे बचाया है। फिक्र मत करो, तुम्हें बचाने वाले को यहाँ इनाम दिया जाने वाला है। बोलो क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले ही आपने सब कुछ दिया है मुझे। मैं किसी का कर्जा बर्दाश्त नहीं करता। क्या तुम्हें यहां पे काम करने वाली कोई खाबिन पसंद है? बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब दूल्हे अपनी दुल्हनियां चुनेंगे। तुम कुश्ती या किसी दूसरे मुकाबले में शामिल हो सकते हो और सबको यह साबित कर सकते हो कि तुम किसी से कम नहीं हो। इसके अलावा मैं तुम्हारी दुल्हन के वालिद को दिल खोल कर रकम दूंगा। तुम जिसे चाहो उसे चुन सकते हो, यह खान का वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया महान खान। ज़ेनब, मैं हमले के बारे में सुन चुकी हूँ। उस तस्वीर बनाने वाले ने अजान को बचाया। आशा, हमें अकेले छोड़ दो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहद अच्छी खबर है। निकोलका ने खान से कहा कि वो मेरी एक नौकरानी को पसंद करता है। मुझे लगता है वो तुम्हारी बात कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं उसके प्यार में थी। शायद वो होश में आ गया और समझ गया कि असल में उसे किसकी ज़रूरत है। खान ने वादा किया है कि वो जिस लड़की को चुनेंगे उसे वो रकम देंगे। क्या निकोला ने सच में किसी सेवारत लड़की का जिक्र किया? हाँ, और शायद बहुत जल्दी उसे वो पता भी चल जाएगा। मेरी दयालु एजान, मैं आशा करती हूँ आप निकोलका की बात से दुखी नहीं होंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस लापरवाह लड़के को पहले ही भूल चुकी हूँ। सलाम शहंशाह। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा बेटा व्लादिमीर। जहां तक मेरे दूसरे बेटे दानिल की बात है, वो तो पहले से ही तुम्हारे पास है। दोनों बच्चे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूं। चाहो तो मुझे मार दो, पर मुझसे लड़के। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे व्लादिमीर चाहिए, तुम्हारा बेटा जिसने मेरे बेटे को मार डाला। तुम मेरे कैदी हो और वो यहां आएगा, नहीं तो हमारे आदमी उसे नतीजा दिखाएंगे। सुनो नरगिस, महारानी ने तुम्हें बंद रखने का हुक्म दिया है। तुम फिक्र मत करो, यह तुम्हारी भलाई के लिए ही है। कल रात मैंने एक बुरा ख्वाब देखा शहंशाह के बारे में। रहम करके आप उनके पास जाइए, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, वो खतरे में है अभी। मैं तुम्हें यहां छोड़कर कैसे जा सकता हूं? बस जाइए, आप उनको बचा लीजिए। तुम कुछ खा लेना, शहंशाह जल्दी वापस आएंगे।
मेरे प्यारे रियासत के लोगों, ये पहली बार सुनने को नहीं मिल रहा है कि दुश्मन के घोड़े हमारे दरवाजे तक आए हों। लेकिन मुझे जहां तक याद है, लेकिन इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे शहंशाह और हमारे रक्षक यारोस्लाव हमारे साथ नहीं हैं। और इस दुख की घड़ी में हम में से हर एक लोग ईमान से प्रार्थना करेगा कि पुलोवत्सियन पर उनकी जीत और अच्छे स्वास्थ्य के साथ उनकी जल्द वापसी हो और वो जल्द आकर अपनी गद्दी की कमान संभाले। ये सब उसकी वजह से हो रहा है, उस ड्रायन की वजह से। जब तक वो यहाँ है, शहंशाह वापस नहीं आने वाले। ये सब उससे ही शुरू हुआ है, सारी मुसीबतें वही लेकर आई है। हाँ, सब उसी की वजह से हो रहा है, सब की वजह वही है। शांत हो जाइए। हाँ, वो लड़की हम सब के लिए पनौती है, लेकिन ये इम्तिहान है सहनशीलता के लिए और दया के लिए। उस पर रहम करें, उसकी वजह से मेरे पति को पीट पीट के अधमरा कर दिया, तब तो किसी ने उन पर रहम नहीं दिखाया। एक तो वो चुड़ैल लड़की महारानी के कमरे में रह रही है और तुम चाहते हो हम लोग उस पर रहम दिखाएं? ये कैसे मुमकिन है? कौन है वहाँ? तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। आपकी खिड़की के नीचे एक भीड़ जमा है। भीड़ उन लोगों की रिहाई चाहती है जिन्होंने नरगिस पे हमला किया है। उनसे क्या कहा गया? महामहिम ने उनसे बात की, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं महारानी। क्या मैं उन्हें दूर कर दूं? नहीं, मैं उनसे मिलूंगी। मैं समझ सकता हूं कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन महारानी की जो भी इच्छा होगी उसके मुताबिक आपके लोगों के लिए मैं जाती तौर पे उनसे बात करने का वादा करता हूं। हमें उससे बात करनी है, हम उससे बात करना चाहते हैं। आप सब पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं बीमार कुत्ते छोड़ दूंगा। हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। मेरी प्यारी आवाम, मैं जानती हूं वो बीमारी है कि दुश्मन की बेटी शहंशाह ने अपने महल में रखी है और वो गुप्त रानी कहलाती है। ये मेरी रूह को बीमार करती है। हर औरत इस बात को समझ सकती है। कितने सालों से मैंने शहंशाह का साथ दिया, हमेशा उनके लिए वफादार रही। ऊपर वाले का तोहफा थी मैं, कानूनन उनसे शादी की। आप लोगों में से कौन मुझ पर इल्जाम लगाएगा कि मैं एक बुरी बीवी हूं? मैंने आपके लिए अपनी बेटे की जिंदगी कुर्बान कर दी और इस रियासत को बचाया और आपकी जिंदगी को भी, आपका ख्याल रखा। और जब मैं दुनिया में अकेली हो गई, उसके बाद वो एक दूसरी लड़की को ले आए और उसका ख्याल रखने का मुझे हुक्म दिया। उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे। बाहर निकालो उसे। हालांकि मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं, भले ही मैं परेशान हूं और मेरी तौहीन की गई, मैं शहंशाह की मर्जी को पूरा करूंगी, क्योंकि उन्हें शक्ति ऊपर वाला देता है, क्योंकि वो ही उनका कानून है और उनका रखवाला है। मुझे माफ कीजिए, पर मैं अपना फर्ज निभाऊंगी अपने शौहर के लिए
अपने शहंशाह के लिए। जानते हो, सिर्फ नुकीले तलवे वाला इंसान ही इस खंभे पर चढ़ सकता है। उसे वो कपड़े को हासिल करना होगा और जो उस पर चढ़ने की हिम्मत करेगा उस पर लोगों द्वारा ये अखरोट फेंका जाएगा। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इनाम बहुत बड़ा मिलेगा। जीतने वाला किसी भी खूबसूरत लड़की को बेझिझक चूम सकता है। कोई है तो सामने आओ। कोई और अपनी किस्मत आजमाना चाहता है? मैं तैयार हूँ। बेशक आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखो से बहुत खूब कमाल कर दो। चलो चलो। क्या बात है, इसने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वाह वाह, सच में, सच में, हाँ इसने कर दिया। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो यहाँ नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? मैंने आपको बताया नहीं खान, लेकिन जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो शादीशुदा है। तुम मुझे अपनी पसंद दिखाओ। जो रकम मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो उसके अमीर खाबिन से उसको खरीदने के लिए मुनाफिक है। गुस्साखी के लिए माफी, लेकिन आपकी बेगम जैसी खूबसूरत औरत मैंने नहीं देखी। खान अपने वादे का पक्का है और वो अपना वादा निभाएगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ अपना इनाम ले लो। Thank you.
कैद कर लो। मेरी महारानी, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने आपसे पहले ही कहा था वो लड़का सही नहीं है, वो आपको गुमराह कर रहा है। ना, ना एहसान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो नादान हो, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मर्द कितने खतरनाक हैं और तुम्हारी खूबसूरती उन्हें कितनी भाती है। मैं उसे कड़ी सजा दूंगा जो ये हिम्मत करेगा कि वो तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देख सके। पता लगाओ उसका क्या हुआ। उसे 20 कोड़े पड़े। सब आपकी गलती है। अगर वो मर गया तो मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। इज़ान खातून आपसे मिलना चाहती हैं। तुम यहां क्यों आई हो? मैं आपसे भीख मांगने आई हूं कि चित्रकार को छोड़ दीजिए। मैं ऐसे शख्स को कैसे छोड़ सकता हूं जिसने मेरी बीवी पर नजर डाली? क्योंकि अगर वो मर गया तो मैं खुद को मार डालूंगी। तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं किसी लड़की की परवाह करता हूं जो दो बड़े गुनाहों से नहीं डरती हो और जिसने अपने शौहर की नहीं सुनी? वो सब मारी गई। मैं नहीं जानती खान, पर किसी वजह से आप मुझे जिंदा रखना चाहते हैं, नहीं तो आपने मुझे काफी पहले ही मार दिया होता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी कबूतरी के पंजे नुकीले हैं? उसकी जिंदगी के बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मैं आपकी एक वफादार दासी बनूंगी महान खान। आजाद होने का ख्याल भी कभी मेरे दिमाग में नहीं आएगा। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। मैं मेरा फर्ज आपके लिए पहला होगा। मैं आपकी कसम खाती हूं। अपने आप को मारना इतना आसान नहीं होता है जान, उसके लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर तुम जरा भी हिचकिचाई या खौफ ज्यादा हुई तो मेरे गुलाम तुम्हें कैद कर लेंगे और फिर एक बात तय रहेगी, तुम्हारी आने वाली हर सांस एक ऐसा दर्द देगी कि वो भयानक मौत मरेगा जिसके तुमने उम्मीद भी ना की हो। निकल जाओ यहां से। उसे अब तक 20 कोड़ों की सजा मिली है। अगर वो बच जाता है तो फिर उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि बेरके खान ने पूरी आवाम के सामने अपनी बेगम को चूमने का हुक्म कैसे दिया और अब निकोलका को जान से मार दिया जाएगा। कुछ वक्त पहले ही एक आदमी को सजा दी गई है।
सिर्फ एक नजर खेखर खातून को देखने के लिए। सिर्फ एक वही है जो मस्जिद की चित्रकारी कर सकता है, इसलिए बर के पास जाओ और कहो कि उसकी फांसी रोक दी जाए। वो एक मुजरिम है, उसे सजा जरूर मिलेगी। ये बात तुम कह रहे हो? ज्यादा दिन नहीं हुए जब तुम उसे अल्लाह का बंदा बोल रहे थे। मैंने कभी उसके बारे में कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है तुम एक बहादुर इंसान हो बख्तियार। अब कहां जा रहे हो तुम? बर के पास। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। अभी रुक जाओ, मैं अपने बेहतरीन और होनहार कलाकार को नहीं खोना चाहता। तो फिर तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। मैं खान को किसी भी हाल में नहीं मना पाऊंगा। एक आदमी और है जो चाहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके मस्जिद का काम पूरा कर लें। मुल्ला से बात कीजिए। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैंने आपकी दुआ में कोई तकलीफ दी? नहीं नहीं, नए मस्जिद में मेरी दुआएं अल्लाह के और करीब होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता है कि हम लोग इस मस्जिद को कब पूरा कर पाएंगे। मेरा एक बेहतरीन कलाकार, वो जवान रूसी, अपनी बेवकूफी की वजह से उसने महान खान को नाराज कर दिया और अब उसको फांसी लगाई जाने वाली है। तो तुम कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकते हो? हम लोगों ने 2 साल ढूंढने में गुजार दिए। मुझे नहीं पता कि कोई उसकी जगह भी ले पाएगा। नुगयागा, मेरी इजाजत के बगैर तुम यहां आए कैसे? दरबार में कोई नहीं था और एक जरूरी बात है। बोलो, लेकिन जल्दी, मैं थका हूं। वो रूसी जिसने आज खान की बेगम को चूमने का साहस किया, मैं जानती हूँ वो माफी के लायक नहीं है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि वो भी एक बच्चा है। उसकी फांसी रुकवा दीजिए। उसकी उम्र में मैं सैकड़ों को काबू करता था, तुम उसके लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो भी उसी धरती से है जहां से मैं हूं। अगर तुम अभी ये नहीं सीख पाए तो होर्दे ही तुम्हारी जमीन है और खान की खिदमत तुम्हारा भरोसा। जल्द ही तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा और सबके जहन से तुम उतर जाओगे। अगर मैं अपना अतीत और लोगों को भूल जाऊंगा तो मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। दफा हो जाओ। आपने ये क्या कर दिया? खान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम्हें उसके पास कैसे भी पहुंचना होगा ज़ेनेब। ये लो पकड़ो, आयशा इसे नग से बदल कर लाई थी, उसे दे देना। वो इसे पी लेगा और उसे दर्द से राहत मिल जाएगी।
आप उसके पास खुद जाओगी। निकोल्क, इसे पी लो, तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द महसूस नहीं हो रहा। जाओ, सुबह होने वाली है। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं आखिरी वक्त तक यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसे मेरे साथ जो करना है करने दो। मेरी बात सुनो, दरबार में वापस चली जाओ। जिस वक्त मैंने अपना इनाम मांगा था, उस वक्त ही मुझे पता था वो मुझे नहीं बख्शेंगे, लेकिन मैं अपने आप की मदद नहीं कर सका। मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगी? मुझे नहीं पता था कि प्यार में ऐसा होता है। मैं हवा के पत्ते की तरह कांप रहा था, मैं जिंदगी से डरता था। अब ऐसा लग रहा है मानो मुझे जन्नत मिल गई हो। मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, बस तुम मुझे याद रखना। बस मुझसे एक वादा करो, वादा करो कि हर रोज, हर एक पल तुम सिर्फ आजादी के बारे में सोचोगी, और जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा तुम उससे दूर भाग जाओगी। वादा करो कि वो दिन आएगा जब तुम अपने पैरों की बेड़ियों को तोड़ दोगी। जाओ,
और बहादुर बनो। रुको, जाने दो इन्हें, ये खान की बेगम है। आखिरकार मैं अपनी जिंदगी को अलविदा कर चुकी हूं। हुलागों के खिलाफ जंग के लिए बेहतरीन योद्धाओं को चुना है, बाकी लोग पुराने हथियारों के साथ पूरे लश्कर का पहरा दे सकते हैं। मुट्ठी भर अनाड़ी कायर हथियारों के साथ लश्कर का पहरा देंगे? महान खान को डर लग रहा है रूसी भाग जाएंगे। भाग के जाएंगे कहां, चारों तरफ मैदान है, जंगल है और मौत। यहां कारीगरों को खुद की जमीन से ज्यादा इज्जत मिल रही है। अब तक वो अपनी जमीन भूले नहीं हैं। मैं उनके भागने से नहीं डरता हूं नोगाई, मुझे डर इस बात का है कि हथियार क्यूमनों के हाथों में चले जाएंगे, जो भूख से बेहाल बदहाल मेरी जमीन पर घूमते रहते हैं और मेरा हुक्म मानने से इनकार करते हैं। वो कोई हथियार नहीं है, बल्कि जंग में मरने वाले कीड़े हैं, और वो कीड़े हमारे ऊपर कभी नजर भी नहीं उठा सकते हैं। मगर उनके हाथ जो कुछ भी लगेगा वो उसे जरूर चुराएंगे। हम उन्हें मजाक के तौर पे नहीं ले सकते। हो सकता है वो हमारे दुश्मन से हाथ मिला लें, खासकर अभी जब हुलागू का लश्कर यहां पहुंच चुका है। ठीक है, कारीगरों के लिए मैं अच्छा पहरेदार चुनूंगा। अब जाओ नोगाई, तुम्हारे लिए आज काफी काम है। कुछ और कहना चाहते हो तो बोलो। हाँ महान खान, उस चित्रकार लड़के के बारे में मेरे एक रूसी योद्धा ने उसके पक्ष में बात रखने के लिए कहा है। उसने जो भी किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उस पे थोड़ा रहम हो। गई, अगली बार सोच समझ कर मुंह खोलना। ये आपके मुल्क का एक नमाजी है, यहां लाने से पहले ये नमाज पढ़ना चाहेगा। आप कहां से हैं मौलाना? नोवग्रोड से, फकीर निकोलस की मस्जिद से। वो मेरे भी फकीर हैं। उन्होंने ही मेरा नाम निकोल का रखा। अगर माफी के लिए कुछ है तो अब वक्त हो चुका है बेटा। हाँ। आप मेरे अब्बू को जानते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? लोग उस गद्दी नशीं को क्या कहेंगे जो ऐसे शख्स को बख्श दे जिसने उसकी बीवी को चुराने की जुर्रत की? लोग आपको ज्यादा दयावान कहेंगे महान खान, लेकिन अगर आप उसकी मौत को रोक देते हैं महान होर्दे के फायदे के लिए, तो लोग आपको बुद्धिमान कहेंगे।
जाओ, रुक जाओ। खान साहब ने इस पे रहम दिखाया है। खान ने उसे बख्श दिया। Thank you.